क्या देश में पेट्रोल के दाम 7 रुपए तक कम होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि कच्चे तेल की कीमत में जारी गिरावट आने वाले अच्छे दिन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। कच्चे तेल की कीमत में 11% गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर WTI के दाम 8% से ज़्यादा कम हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में क्रूड ऑयल के दाम $75 प्रति बैरल पर आ सकते हैं, जिसका असर नवंबर के महीने में लोकल लेवल पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में देखने को मिल सकता है। वहीं देश में 21 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। पिछले 29 सितंबर को क्रूड ऑयल के दाम $95.31 प्रति बैरल पर थे, जो मौजूदा समय में $84.48 प्रति बैरल पर आ चुके हैं। बीते 2 दिनों में कच्चे तेल की कीमत में 6% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका तेल के दाम भी 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कच्चे तेल के दाम में गिरावट क्यों आई। दरअसल जून महीने के बाद ओपेक देशों की ओर से प्रोडक्शन कट का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से मांग की तुलना में सप्लाई कम हो गई थी और कीमतों में इजाफा देखने को मिला। तीसरी तिमाही में कच्चे तेल की कीमत में 30% से ज़्यादा का इजाफा हुआ था। वहीं सऊदी अरब और रूस की ओर से दिसंबर महीने तक प्रोडक्शन कट जारी है। एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरह से ऑयल प्रोड्यूसर्स पर कच्चे तेल के प्रोडक्शन को लेकर दबाव बढ़ रहा है, वहीं अब अमेरिका की ओर से प्रोडक्शन बढ़ने के संकेत मिले हैं, उसका असर आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में कीमत और कम होने की उम्मीद है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म।